सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं वीवो Z1 Pro वर्सेस रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन का। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, जहां रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन के प्राइस 9,999 रुपए से स्टार्ट होते हैं और वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन के प्राइस 13,999 रुपए से स्टार्ट होते हैं। बट दोस्तों, ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन कंसिडर करना चाहिए, आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होगा। अगर दोस्तों आप भी सबको जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। अगर रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक वाटर ड्रॉप नोच भी देखने को मिलती है। वहीं वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन की बात की जाए तो मोबाइल फोन पर हमें 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें पंच होल डिस्प्ले, यानी कि दोस्तों एक पंच होल कैमरा हमें मोबाइल फोन पर देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि दोस्तों दोनों मोबाइल फोन की स्क्रीन का रिजोल्यूशन हमें फुल HD प्लस का मिलेगा, बट दोस्तों हमें रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन पर वाटर ड्रॉप नोच मिलती है और वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन पर हमें एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट मिलेगा, जहां हमें एड्रीनो 610 का GPU देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन पर हमें अलग अलग रेम वेरिएंट्स और माइक्रो SD कार्ड का एक डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा। अगर वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का SoC मिलेगा, जहां हमें एड्रीनो 616 का GPU देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन पर भी हमें एक माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट और अलग अलग रेम वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में परफॉर्मेंस के मामले में वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन एक बेस्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन 712 का पावरफुल SoC मिलता है, जिससे हम एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों हम कैमरास की बात करें तो दोस्तों रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन पर हमें क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा, जो मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का होगा, जहां हमें सैमसंग GM1 का सेंसर मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का होगा, जो वाइड एंगल सेंसर है। थर्ड और फोर्थ सेंसर 2-2 मेगापिक्सल के होंगे, जहां हमें डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर मिलेगा। सेल्फी के लिए रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन पर हमें 13 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो वाटर ड्रॉप नोच के अंदर दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन पर हमें अच्छा कैमरे का पैकेज देखने को मिलता है प्राइस के हिसाब से। अगर हम दोस्तों वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जो मेन कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का होगा, जो एक वाइड एंगल सेंसर है। थर्ड सेंसर होगा 2 मेगापिक्सल का, जो एक डेप्थ सेंसर है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो दोस्तों वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन पर हमें वाट यानी कि पंच होल डिस्प्ले के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों दोनों मोबाइल फोन पर हमें अच्छे कैमरे मिलते हैं, बट दोस्तों सेल्फी कैमरा हमें वीवो Z1 Pro पर एक अच्छा देखने को मिलेगा। बट दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन पर हमें मैक्रो सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, जो हमें रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। पावर बैकअप की बात करें तो दोस्तों रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन पर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी और टाइप सी पोर्ट मिलेगा। अच्छी बात यह है कि रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन पर हमें बॉक्स के अंदर 18 वाट का फास्ट अडोप्टर मिलेगा। वहीं वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन पर हमें 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी मिलती है, बट दोस्तों वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन पर हमें टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों ये स्मार्ट फास्ट चार्जिंग को जो सपोर्ट कर लेता है। अगर दोस्तों दोनों मोबाइल फोन के एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो दोनों मोबाइल फोन पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई और दोनों मोबाइल फोन पर हमें खुद की कस्टम UI भी देखने को मिल जाएगी। दोनों मोबाइल फोन पर सिक्योरिटी के लिए फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और फेस अनलॉक मिलता है। तो दोस्तों ये तो थी दोनों मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशंस। अगर हम मोबाइल फोन की बात करें कि इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होगा, तो ऐसे में दोस्तों रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन के प्राइस 9,999 रुपए से स्टार्ट होते हैं, जहां हमें 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज मिलेगा। वहीं 13,999 रुपए से वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन के प्राइस स्टार्ट होते हैं, जहां हमें 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों दोनों मोबाइल फोन के रेम वेरियंट्स तो बराबर के मिलते हैं, बट दोस्तों दोनों मोबाइल फोन के प्राइस में लगभग हमें 4,000 रुपए का अंतर देखने को मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन भी एक बुरा स्मार्टफोन नहीं है। अगर आपके पावरफुल SoC वाला स्मार्टफोन खरीदना है तो आप वीवो Z1 Pro स्मार्टफोन की कंसिडर कर सकते हो, अन्यथा दोस्तों रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन भी एक आपके लिए बेहतरीन स्मार्टफोन साबित हो सकता है। तो दोस्तों मुझे पूरी पूरी आशा है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं।